हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 29x48 में घर का नक्शा लेकर आया हूं। इसमें आपको दो बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया, ये सब आपको इसमें मिलेगा। और गाड़ी की पार्किंग लिए पार्किंग एरिया भी आपको इसमें मिल जाएगा। आपको पूरी जानकारी के साथ डिटेल में जानकर दूंगा कि डोर, विंडो, फर्नीचर ये सब आपको कहाँ लगाने हैं। तो आप इस वाले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारा ये घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रखा है कि इसमें यहाँ मेन गेट रहेगा और यहाँ आपको मिलेगा स्टेयरकेस एरिया, मिलेगा 13 फिट 4 इंच बाई 9 फिट का स्टेयरकेस एरिया। यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये स्टेयरकेस एरिया यहाँ बन मिल जाएगा आपको। आगे 7 फिट की जगह खाली छोड़ देंगे, तो 7 फीट की जगह हमको खाली छोड़नी है आगे से, तो ये खाली जगह हम यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ बनाना है एक ड्राइंग रूम, ये 12 फीट बाई 12 फीट का बन जाएगा। आपको इसमें सोफे लगाने हैं, टीवी लगाना है, आगे जो लॉन छोड़ रखा है उस साइड में एक दरवाज़ा देना है, उसी साइड में एक विंडो लगानी है ताकि वेंटिलेशन भी हो जाए और बाहर से इसमें एंट्री भी हो जाए। तो ये दरवाज़ा और विंडो यहाँ लगा देनी है, यानी कि डोर विंडो यहाँ लगानी है। फिर एक डोर यानी कि दरवाज़ा अंदर भी लगाना है ताकि लिविंग एरिया से भी इसमें एंट्री रहे। तो ये ड्राइंग रूम बनेगा 12 फिट बाई 12 फिट का, ये ड्राइंग रूम हो गया। अब आपको बनाना है घर में टॉयलेट। टॉयलेट यहाँ बनाना है आपको 12 फिट बाई 5 फिट 6 इंच का टॉयलेट, जिसमें आपको टॉयलेट सीट, वॉश बेसन, शावर ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। इसका वेंटिलेशन होगा वो होगा बाहर की तरफ, यानी कि जो आगे हमने लॉन छोटा गया उस साइड में वेंटिलेटर लग जाएगा, तो इसका वेंटिलेशन आगे की तरफ हो जाएगा। तो 12 फिट बाई 5 फिट 6 इंच का ये आपको टॉयलेट बनाना है यहाँ पर। तो ये टॉयलेट यहाँ बन जाएगा। यहाँ हम दरवाज़ा देंगे मेन, उसके साथ अटैच विंडो लगा देंगे और फिर एंट्री करेंगे हम अपने लिविंग एरिया में, जो है 13 फिट 9 इंच बाई 19 फिट 3 इंच का लिविंग एरिया, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे, यहाँ डाइनिंग टेबल ये सब आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये लिविंग एरिया यहाँ बन जाएगा हमारे इस घर में। तो ये लिविंग एरिया आपको यहाँ बनाना है। उसके बाद आपको बनाना है किचन। किचन आपको यहाँ बना देना है। ये 13 फिट 7 इंच बाई 7 फिट 9 इंच का किचन रहेगा, जिसमें आपको गैस चूल्हा, सिंक लगाना है। इसके लिए विंडो लगानी है बाहर, इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये किचन यहाँ बन जाएगा। यहाँ हम ओपन रखेंगे इस किचन को, इसमें हम दरवाज़ा नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास किचन बनेगा 13 फिट 7 इंच बाई 7 फिट 9 इंच का। तो ये किचन यहाँ हो जाएगा, तो किचन हम यहाँ बनाएंगे। आप इस वाली वीडियो को लाइक कर देना आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आप। तो ये तो किचन बना यहाँ, तो किचन हम यहाँ बनाएंगे इस घर में। अब हम बनाएंगे बेडरूम। बेडरूम हम इसमें बना देंगे 2 2 BHK घर बन जाएगा। एक बेडरूम 12 फिट बाई 13 फिट का, इसमें आपको बेड, टीवी, अलमीरा मिल जाएगी, यानी कि जो वार्डरोब है लिखा हुआ है ये अलमीरा है। इसके लिए विंडो लगेगी, वो पीछे लग जाएगी, तो इस पीछे की तरफ आप इसमें विंडो लगा देना। तो 12 फिट बाई 13 फिट का ये बेडरूम आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें बेड, टीवी, अलमीरा बन जाएगी। तो ये एक बेडरूम यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास एक बेडरूम यहाँ बन गया। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ दूसरा बेडरूम, ये 12 फिट बाई 14 फिट का ये दूसरा बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ आप दूसरा बेडरूम बनाना, इसमें आपको बेड, टीवी, अलमीरा मिल जाएगी। तो ये घर के लिए दूसरा बेडरूम आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ हम दूसरा बेडरूम बना देंगे। तो ये दूसरा बेडरूम यहाँ बनेगा।
हमारे पास घर 29x48 का बना हुआ घर है, जिसमें आपको 2 बेडरूम, किचन, लिविंग एरिया, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, स्टेयरकेस एरिया, पार्किंग एरिया, लॉन, ये सब इसमें बना रखा है। आपको ये वाला घर का नक्शा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, और इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। धन्यवाद दोस्तों।